श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से विवेकानंद ऑडिटोरियम रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में होगा, जिसमें देश भर के संत महंत महामंडलेश्वर भाग लेंगे। जहां छाता स्थित जगदीश शर्मा के निवास स्थान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष में हजारों वर्षों के बाद शुद्ध सनातनी राज चल रहा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। बेदर्मियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि पर बार बार मंदिर तोड़कर इस्लामी प्रतीक चिन्ह स्थापित किए गए, लेकिन हिंदू राजाओं ने हार नहीं मानी। वहीं ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, प्रवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनी एक होकर ब्रज क्षेत्र सहित संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक हो जाए। कोसी में समस्त ब्रजवासियों के साथ एक बैठक हुई, उसमें सभी के साथ में 26 अक्टूबर को जो वृंदावन में कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया गया है। इसमें बैलर बसिस जी और कोशी के उद्योगपति सुपानिया जी, कर्मयोगी जी और अवध सरकार जी, सभी इस में मीटिंग में सभी ने भाग लिया और सभी का यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से के एक भाग पर जो मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था वो कब्जा कैसे हटे, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस है वो माननीय न्यायालय में चल रहा है, तो किसी ब्रजवासी का जो अपना अपना मत है कि न्यायालय में हम अपनी लड़ाई किस प्रकार लड़ें, इस पर मंथन होगा। सभी संत समाज का सम्मान किया जाएगा और उसमें जो ब्रजभूमि में जो व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको ब्रजरत्न उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी हिंदू इसमें भाग लेंगे। आज कोसी में जो सभा हुई है उस सभा में सभी ने एक मत से यही कहा है कि सभी सनातन हिंदू 26 अक्टूबर को वृंदावन में होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कोसी में कोर्ट में शक्ति मिशन के तहत आदर्श इंटर कॉलेज मानिकपुर में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने छात्राओं को जागरूक कर रैली निकाली। वहीं भारत सरकार के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के तहत सरकार महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकते हैं। ये मिशन शक्ति 4 माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत महत्वपूर्ण योजना के दृष्टिगत जो है आज यहाँ मानिकपुर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 2 विद्यालय के छात्राओं को यहाँ पर बुला करके मिशन शक्ति के संबंध में जो भी योजनाएं हैं और जो भी उनके अधिकार हैं और जो भी उनकी शक्तियाँ हैं उसके विषय में विस्तार से बताया गया है। यहाँ सीओ राजापुर मैम भी हैं और यहाँ के प्रभारी निरीक्षक महोदय भी हैं, उनके द्वारा भी सभी बच्चों से व्यक्तिगत रूप से भी वार्तालाप करके उनकी समस्याओं के विषय में बताया गया है और कैसे रोज़मर्रा में उनके जो समस्याएं आती हैं उनका पुलिस के माध्यम से कैसे समाधान किया जा सकता है उसके विषय में भी विस्तार से बताया। ये मिशन शक्ति 4 मानिकपुर रेलवे स्टेशन परिसर का एक मामला सामने आया है, जहां पर घायल महिला के पति ने बताया कि बीते कुछ माह पूर्व मानिकपुर में निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए खड़ी महिला के पक्ष में वोट न देने पर प्रत्याशी के पारिवारिक पक्ष की महिलाओं ने मिलकर पत्थरों से पीट पीट कर पीड़िता और उसके पति को घायल कर दिया था। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी और थाना मानिकपुर पुलिस ने ई रिक्शा के सहारे घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक इलाज के बाद होश न आने पर गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हम इनको वोट नहीं दिए थे, वोट ना देने के कारण ये लोग कई बार हमको गाली गलौज कर चुके थे पहले भी, इसके बाद भी हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम लोग डर गए थे। इनके घर में 2-2 लोग पुलिस वाले ने, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एप्लीकेशन लेके गए तो पुलिस वाले बोलते हैं वहाँ लेके गए कि जाओ पहले इलाज करवाओ बाद में एप्लीकेशन आके दे। कौन है घायल, कौन हुआ? मेरी बीवी है। क्या नाम? खुशबू। खुशबू, आपका नाम क्या है? राहुल। किसने मारा है इनको?
32 के पूरे लड़का बच्चा जितने उनके घर में लड़की हैं और जितने सब लोग हैं कम से कम 10-12 लोग थे। मेरी बीवी को मारे, मुझे भी मारे, यहाँ चोट आई, कई जगह चोटें मेरे यहाँ, सास को मारी, 4 लोग हम यहाँ थे। मैं 9 दिन व्रत था, मैं यहाँ आया था काम करने के लिए। हम इनको वोट नहीं दिए थे। चित्रकूट जनपद में कमतानाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरी इनोवा गाड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 4 श्रद्धालु घायल हो गए। जिसके बाद आक्रोशित श्रद्धालुओं ने एक ट्रक मालिक को ड्राइवर समझकर उसकी जोरदार पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।